मध्य प्रदेश का ग्वालियर इन दिनों पूरी तरह से कोहरे की चपेट में है। जहां एक ओर कोहरे की वजह से आम जनजीवन प्रभावित है, तो वहीं दूसरी ओर रबी की फसल को खासा फायदा हो रहा है, जिससे किसानों के चेहरों पर मुस्कान दिखाई दे रही है। बुधवार से ग्वालियर चंबल कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। बुधवार रात से शुरू हुआ कोहरा गुरुवार सुबह तक बना रहा। शुक्रवार सुबह 9 बजे धूप आई, लेकिन कोहरे के असर से सर्दी कम नहीं हुई। लगातार 12 घंटे तक कोहरा छाया रहा और कृषि वैज्ञानिक यहां खड़ी सरसों और गेहूं की फसल के लिए बेहद फायदेमंद मान रहे हैं इस कोहरे को। मौसम विभाग के अनुमानों के मुताबिक ही दिसंबर के दूसरे हफ्ते में औखी के असर से हुई बारिश और उत्तरी पहाड़ों पर बर्फीले तूफान के असर से तापमान में लगातार गिरावट आई है। आसमान से बादलों के गायब होते ही बुधवार की सुबह ग्वालियर चंबल में कोहरा छा गया। कोहरे के साथ ही हल्की हवाएं भी चल रही हैं, जिससे ठंड भी बढ़ने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय बने रहने से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। साथ ही बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक एक्टिविटी की वजह से भी पूरे उत्तर भारत कोहरे की चपेट में है। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर SS तोमर ने बताया कि नमी के साथ लंबे समय तक कोहरा और 10 डिग्री से नीचे तापमान बने रहने से गेहूं और सरसों के अलावा रबी की दूसरी फसलों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ग्वालियर से इमरान खान की रिपोर्ट।